हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ लॉन्ग हेयर कट के साथ फ्रंट बैंक से हेयर कट। तो आप लोग वीडियो देख के काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और हाँ, मैंने मेकअप किया था ब्राइडल मेकअप, जिसका मैं इसमें पिक और वीडियो भी थोड़ी छोटी सी अपलोड की हुई है, तो आप लोग देख लेना। अगर आपको सीखना हो तो कमेंट कीजिएगा, और मैं इस तरीके की मेकअप आप लोग को जरूर सिखाऊंगी। और हाँ, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाली, जिससे मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग देखने में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ उस चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। आज मैंने न्यूड मेकअप किया है। मैं जा रही हूँ अपने गाँव में, जहाँ पर मेरे भाई की शादी है, तो चाचा के लड़के की शादी है, तो वहाँ पे जाने वाली हूँ। तो वहाँ का हो सकेगा तो मैं ब्लॉग लूँगी, अपने ब्लॉग चैनल पे जरूर अपलोड करूँगी, तो देखिएगा जरूर आप लोग। तो आज का वीडियो है लॉन्ग हेयर कट विद बैंक हेयर कट, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, ये हैं गर्ल जिनका हेयर कट करना है। आप इनके बाल देख सकते हो, कर्ली हैं बट बहुत अच्छा वॉल्यूम है। इनको बस बैक से थोड़े थोड़े हेयर कट कराए थे, फिर मैं इनका फ्रंट भी हेयर कट करूँगी, और एक और लेडी का फ्रंट बैंक से हेयर कट करूँगी इसी वीडियो में, तो सब आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैंने ब्राइडल मेकअप किया है, उसका भी वीडियो थोड़ा सा वीडियो मैंने लास्ट में अपलोड किया हुआ है, तो देख लीजिएगा वो भी आप। तो अच्छे से पहले बालों को भिगो रही हूँ, फिर अच्छे से गीला कर लेंगे। जब बाल अच्छे से गीले हो जाएं, सुलझ जाएं, उसके बाद ही कटिंग स्टार्ट करनी है। ओके, तो गाइज व्लॉग वीडियो जरूर देखिएगा, व्लॉग चैनल पे आता है मेरे इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी व्लॉग चैनल का नाम है उस पर। आज मैं शादी में गई थी, तो वहाँ की भी मैंने कुछ कुछ वीडियोस ली हैं जो उसमें ही अपलोड करूँगी मैं, तो देखिएगा। और काफ़ी लोगों से मिलने का, मेरे जान पहचान के लोगों से मिल सकते हो आप उस वीडियो में। तो इतना लेंथ इनका कट करना है, इतना कट करना है, चलिए कट करते हैं और फिर दिखाते हैं। बैंक से कट भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो ज़रूर देखिएगा वो भी आप, वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी आपको उसके लिए। आपको पार्लर से रिलेटेड कुछ भी काम सीखना हो, जानना हो, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर बताऊँगी। जैसे आप लोग मेरी हेयर कट की वीडियोज देखते हो, वैसे ही और भी वीडियोज़ देखिए, प्यार दीजिए सारी वीडियोज़ को, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए बनाऊं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैं हेयर कट कर रही हूँ। आप ऐसे भी सिंपली स्ट्रेट हेयर कट करना है तो एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो, उससे थोड़ा भी हेयर ऊपर नीचे नहीं होगा और अच्छे से कटिंग भी आ जाती है। तो यहाँ से थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, तो आप वहाँ से कट कर लो, इस तरीके से खींच के लाओ, जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको आप कट कर दो। ओके, इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। इस तरीके से कॉम में लेके आना है, जो भी आपको कॉम में एक्स्ट्रा दिख रहा है, बराबर नहीं दिख रहा है, उसको आप कट कर दो, तो आपका इक्वल स्ट्रेट हेयर कट हो जाएगा इस तरीके से। और बार बार चेक जरूर कीजिए, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। ओके, तो हेयर कट हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो बैक का हमारा हेयर कट ऑलमोस्ट डन हो चुका है, पूरा स्ट्रेट हेयर कट हो चुका है। कर्ली बालों में आप इस तरीके से स्ट्रेट हेयर कट कर सकते हो, एंड फ्रंट का बैंग से हेयर कट करना है तो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसी तरीके से जल्दी जल्दी मैं हेयर कट कर रही थी और फेशियल कर रही थी, वैक्सिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा काम था। आप नीचे वैक्स स्ट्रिप भी दिख रही होगी आपको, इससे पहले मैंने फुल बॉडी वैक्स की वीडियो अपलोड की है, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने आगे से हेयर को लिया है एक लाइन में। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी लिया है, और जितना शॉर्ट इनको रखना है, कर्ली वालों को ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, फिर आपका लुक अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग कट कीजिए, फिर वो मुड़ेंगे भी तो जितना आप चाहते हो उतने पे आके रुक जाएंगे।
तो यहाँ से यहाँ तक इनका मैं इन्होंने बोला, फिर बोला कि नहीं थोड़ा सा और लंबा कर दीजिए, तो थोड़ा सा और लंबा मैं यहाँ से करूँगी, ठोड़ी से नीचे मैं कट कर रही हूँ और इनका नोज तक मतलब कटिंग दिखेगा। ये देखिए नोज तक फर्स्ट लेयर आ रही है, फिर नीचे की सारी लेयर्स आ रही है। बहुत ही प्यारा, इस तरीके से आप बैंग्स कट कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो अच्छे से दोनों साइड से मैं चेक कर ले रही हूँ। ये देखिए आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दूसरी लेडी थी उनका भी फ्रंट बैंग्स हेयर कट करना है, तो यहाँ से मैं इस तरीके से ले रही हूँ और आगे की तरफ इस तरीके से कॉम करूँगी और कट करूँगी। ओके तो इनका भी लॉन्ग में ही कट करना है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था, तो यहाँ से मैं इनका भी कट कर दूँगी ठोटी के पास से, लिप्स के जो नीचे होता है वहाँ, उससे थोड़ा सा लॉन्ग रख के और कट कर लेंगे। गर्दन को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऐसे सीधा कट कर देंगे। और इनका लुक दिखाती हूँ मैं अभी, वाह, तो इस तरीके से बैंग्स काफ़ी प्यारा लगता है। तो अभी अगर चाहते हो तो इस तरीके से आप कट कीजिए, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। और ब्राइडल्स का मेकअप दिखा देती हूँ, तो मैंने ये ब्राइडल का मेकअप किया था आज, काफ़ी प्यारी लग रही थी और मेकअप भी काफ़ी पसंद आया इन लोगों को। हम लोग कोई काम करते हैं सामने वाले को पसंद आए तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपना काम कोशिश करती हूँ कि दिल जान लगा के पूरा अच्छे से करूँ और सामने वाले को बहुत अच्छे से पसंद आए। तो आई होप आप लोग को इनका भी मेकअप और बैंग्स हेयर कट दोनों लेडीज़ का एंड बैक से स्ट्रेट हेयर कट अच्छा लगा हो। अब बाकी आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोग को मेकअप, हेयर स्टाइल, हेयर कट सब कुछ। अगर आपको इस टाइप का मेकअप सीखना हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इस पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ओके प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा फ्रंट बैंग विथ लॉन्ग हेयर कट, बैक से कैसा किया स्ट्रेट हेयर कट किया था, और काफ़ी अच्छे हेयर भी थे इनके। और शादी का सीजन चल रहा है, इससे पहले मैंने फुल बॉडी वैक्स की वीडियो डाली थी, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी फुल बॉडी वैक्स की वीडियो डाली, तो इसलिए मैंने फुल बॉडी वैक्स की वीडियो भी डाली थी। काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो कि मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से नहीं अपलोड हो रहा है। प्लीज़ उस चैनल पर भी जाइए, उस चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, और उस पर मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो जाइए देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।